Ladies and gentlemen, this is my great privilege to call on the digital screen. Let me introduce first, successful entrepreneur, MBA professional, international inspirational speaker and leadership consultant. Please put your hands together and help me welcome Mr. Anurag Agarwal. See, my purpose कुछ बताना नहीं है यहाँ पे, मेरा पर्पस सिंपल 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 और ये है कि हमने इस बिजनेस को यहाँ तक बिल्ड करने में क्या किया, क्या हमारी सोच रही, क्या हमारा एटीट्यूड था, किस तरह का माइंडसेट रहा, यू नो, कैसे हमने नोस को झेला और व्हाटएवर वी डिड, यू नो, कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई चीज कहीं से चेंज हुई. द मोमेंट आई सॉ दिस प्लान, जब वो रेत पे मैंने प्लान देखा था, उस रात की कहानी मुझे अभी तक याद है. मैं घर आया और मैंने, यू नो, अब एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ सर्कल्स बनाए, 6 सर्कल्स बनाए हमने उस दिन में, यू नो, और उसमें अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखे, ABCDEF, और हमने सोचा ये 6 लोग ये तो बिल्कुल मेरी सुनते हैं, मानते हैं, एंड दे विल कम एंड दे विल जॉइन मी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जब मैंने उनको प्लान दिखाया था तो दे वर द फर्स्ट वन जिनको प्लान समझ ही नहीं आया और वो मेरे पे हंसे. बट थैंक गॉड मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, थैंक गॉड मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ और मैं काम करता रहा. हमारा अपने अंदर से फेथ कभी डगमगाया नहीं. इस बिजनेस के बारे में एक खास बात मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस से, जहां जहां मैंने सोचा कमाल होगा, ब्लास्ट होगा, कुछ हुआ नहीं, और जहां जहां मैंने सोचा नहीं वहां ब्लास्ट हो गया. सीक्रेट क्या है फिर इस सक्सेस का? सीक्रेट कुछ नहीं है, कुछ सीक्रेट ही नहीं है, यही सीक्रेट है एक्चुअली. अरे तो कोई तो सीक्रेट होगा ना, एक सीक्रेट है, करते रहो, क्विट मत करना. रास्ता वही है, रास्ता नहीं बदलने वाला. एक आदमी दूसरे से पूछता है, भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है? कहता 20 साल से तो आगरा जा रही है, तू जाके देख ले कहीं और ले जाती हो तो. ये बिजनेस जो है ना, इट्स ए कॉमन सेंस बिजनेस. इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है. लोग बोलते हैं तुमको बिजनेस समझ कैसे आ गया? मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुमको समझ क्यों नहीं आया. एक मेरा बंदा पूछता है, अनुराग भैया आपके पास आता हूं तो एक्साइटेड हो जाता हूं, उनके पास जाता हूं तो डिमोटिवेट हो जाता हूं. मैं बोला तेरी जेब में कितना पैसा है? बोलता है 500 रुपए. तो ज्यादा मेरे को कितना पैसा दे सकता है? 500 रुपए. मैं, मेरी जेब में इस टाइम 50,000 रुपए, मैं तो उसको ज्यादा कितना पैसा दे सकता हूँ? 50,000 रुपए. बात समझ आए? नहीं समझ आई. भैया मेरी जेब में सक्सेस है, मेरी जेब में एक्साइटमेंट है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं तुझे वो दे सकता हूँ. जिसके पास फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन देगा और जिसके पास एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट देगा. इट्स ए सिंपल लॉजिक. बात समझ में आया ना? नाउ इट्स योर पॉइंट. किसको फॉलो करना है? हमने भी बिजनेस शुरू किया, हमारे पेट में दर्द नहीं था, हमारे पड़ोसियों के पेट में ज्यादा दर्द था. हमारे पड़ोस में मिस्टर शूद, अनुराग ये बिजनेस नहीं चलेगा. आपको कैसे मालूम? बचपन से किया है क्या? लू कहते हैं बिजनेस चलेगा. अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन मैं यही नहीं कहता कि कभी भी एमबीए की बात आती है तो आप एमबीए की तरफदारी करने लग जाओ. यू कैन बी ए न्यूट्रल एम्पायर एंड यू कैन जज सामने वाला क्या कह रहा है. मैं सच बता रहा हूं, कुछ बेस ही नहीं है, बेसलेस स्टॉक्स, राइट? तो मैं बोल रहा हूं, लू कहते हैं बिजनेस चलता है, मिस्टर सूद कहते हैं बिजनेस नहीं चलता. अब मिस्टर सूद स्कूटर वो चलाते हैं जो 20 साल पहले मार्केट में आना बंद हो गया. हर बार झुकाते हैं, हर बार किक मारते हैं. और लू रिगन के पास सपोज सबसे छोटी गाड़ी है लिमोजिन. अभी लू को फॉलो करूंगा तो मिस्टर सूद नहीं बनूंगा और सूद को फॉलो करूंगा तो मिस्टर लू नहीं बनूंगा. किसको फॉलो करना चाहिए? इट्स अ कॉमन सेंस गेम. अगर लू बनना है तो लू को फॉलो करना. आई डिड दैट. डॉक्टर बनना है, कभी रास्ते जाके थोड़ी पूछेंगे कैसे डॉक्टर बना जाता है. कहेगा फटावा कुर्ता पहनो, फटावा पजामा पहनो, घुटने से फाड़ो, थैला गले में डालो, दाढ़ी बढ़ाओ, 25 दिन तक नहाओ मत, एक ऐसी लड़की से प्यार करो जो 2 महीने में छोड़ के भाग जाए. अंदर से कविताएं निकलेंगे, प्रभु कविताएं निकालने, मुझे MBBS पास करना है. बात समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ आया कि नहीं? लोगों की बात छोड़ दो, लोगों का तो मैं अगर एक दो चूक में बताऊं ना, तो मोस्टली लोग जब 50,000 रुपीज पर मंथ का प्लान देखते हैं ना, तो शुरू में तो उनको ठीक लगता है. जब 50,000 रुपीज सामने आता है ना, दे से नो, और बहाना बनाएंगे कभी एमवे को, कभी प्रोडक्ट को, कभी मेरे मामा के चाचा के भतीजे के भाई ने किया था वो फेल हो गया, किसी को भी. लेकिन सच बात क्या है, उनकी सेल्फ इमेज इतनी हाई नहीं है कि वो पार्ट टाइम में 50,000 रुपीज पर मंथ बना सकते हैं. दिस इज द फैक्ट. वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते. दूसरी तरह के लोग क्या है, जो चाहते तो सब कुछ है लेकिन करेंगे कुछ नहीं. बात समझ में आया ना? एक आदमी अपने बच्चे से बहुत परेशान है, उसका काम है सारा दिन खाना पीना सोना, बस सोते रहना, कुछ नहीं करना, आराम रेस्ट, ओ मैन बिंदास, बिना डायमंड की लाइफस्टाइल जीता है. तो पापा बहुत परेशान, यार तू कुछ करता नहीं, उठ पढ़ लिख. तो वो रोज सुनता है, लेकिन एक दिन तंग आ गया,
बोलता है तुम मुझे रोज बोलते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या होगा क्या पढ़ने से? अरे तू पढ़ेगा तो अगली क्लास में जाएगा। अच्छा अगली क्लास में जाऊंगा तो क्या होगा? फिर पढ़ूंगा ही ना, पढ़ते ही रहूंगा। अरे फिर मैं तुझे कुछ प्रोफेशनल स्टडीज कराऊंगा, उससे क्या होगा? उससे फिर तेरे को एक जॉब लग जाएगी, उससे क्या होगा? अरे जॉब लग जाएगी, मैं तेरी शादी कर दूंगा यार। अरे उससे क्या होगा? अरे शादी कर दूंगा, तेरे बच्चे हो जाएंगे, उससे क्या होगा? अरे बच्चे हो जाएंगे उनका यार, पालियो उनको, बड़ा बड़ा करियो, और क्या होगा? कहता नहीं, फिर उससे क्या होगा? वो बड़े जाएंगे, उनकी शादी कर दियो, उससे क्या होगा? फिर तेरे पोते तो जाएंगे, उससे क्या होगा? अरे पोतों के साथ खेलियो, बैठियो, आराम करियो। कहता अभी भी तो यही कर रहा हूँ, इतना लफड़ा क्यों बाल रहे हो यार? हाँ, people are like that, they don't want to do anything. और मृग मच्छिका में जीते, मृग मच्छिका, you understand? कुछ नहीं है लेकिन लगता है आएगा, आज नहीं आया कल आएगा, कल भी नहीं आएगा फिर आएगा। मतलब मैंने दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए तो बहुतों को देखा है, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाने वाले भी इस दुनिया में कम नहीं है। दो गधे थे, एक किसान के यहाँ काम करते थे। अभी किसान बहुत मारता, दोनों के बिल्कुल खाल निकली पड़ी है, हड्डी निकली पड़ी है। तो एक गधा बहुत परेशान हो गया, उसको किसी ने फ्रीडम का चार्ट बढ़ा दिया। अभी वो रात को गधा छोड़ के भाग गया किसान को, गया अपना फ्रीलांसिंग काम करता है, घास खाता है, पानी पीता, जयराम जी के 1.5-2 साल में हो गया तगड़ा। एक बार वो किसी दरिया पे पानी पी रहा है तो वही सूखा उसका पुराना दोस्त वही पानी पी रहा है, वो भी उसको तो ऐसे कि फूंक मारो तो गिरेगा। उसको बोलता है, हंसता है, अरे यार तू अभी भी वही लगा पड़ा है क्या? कहता हाँ। प्लान दिखाता है, अरे यार जो मैं कर रहा हूँ तू कर रहा है, ऐश कर सकता है। कहता नहीं नहीं नहीं, कहता तुझे मारने में इंटरेस्ट क्या है? कहता मेरा फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है? उस किसान की तरह फ्यूचर ब्राइट क्या है? कहता नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट है। क्या ब्राइट क्या है, टेल मी। कहता वो किसान की लड़की है कि नहीं? हाँ। बहुत देर लगेगा पढ़ने में? हाँ। किसान उसको हर बार बोलता है, अगर तू इस बार फेल हो गई ना, इस गधे से तेरी शादी कर दूँ। पीपल आर फनी। हाँ? बस बैठे हैं किस तलाश में, आई डोंट नो। एक बार एक शहर में, एक देश में पुराने जमाने की कथा, आलसियों का कंपटीशन हुआ। हाँ? तो राजा ने बोला कि जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो एक आलसी को अवार्ड मिला, लेकिन 5-6 साल बाद पता चला कि वो आलसी उस देश के सबसे ऊंचे खजूर पे बैठा है। राजा ने बोला, गुरु अवार्ड ब्रेक हो गया यार, बेकार हो गया अवार्ड देना, वो तो मेहनती हो गया, चलो पूछते इंटरव्यू। बोले भाई बंधु क्या हुआ इतनी मेहनत? कहता काहे की मेहनत यार, मैं तो सो रहा हूँ 5 साल से, किसी ने मेरे नीचे बीज बो दिया, बढ़ता ही जा रहा है, मैं ऊपर पहुंच गया यार। हैं, बात समझ में आई कि नहीं? हैं, तो एज बड़ा होना कोई अचीवमेंट नहीं है, लेट मी टेल यू, एज बड़ा होना कोई अचीवमेंट नहीं है, एज तो बढ़ेगी, कहीं भी रहो बढ़ेगी, है ना? हमको भी ऐसे लोग मिलते थे, आपको भी खूब मिलते हैं, लेकिन हम उनसे कंफ्यूज नहीं होते। एक वेटरनरी डॉक्टर है, भैंसों का इलाज कर रहे थे। अभी एक का इलाज करने गए, भैंस बहुत बीमार है, अभी उसका इलाज करना है तो क्या करना है, उसके अंदर कैप्सूल डालना पड़ेगा। अभी वो इतनी बीमार है कि कैप्सूल भी नहीं खा सकती, तो उनको क्या प्रोसेस था, एक मोटा सा पाइप लिया उसके मुंह में डाला, तो एक पाइप का एक सिरा पेट में पहुंच गया, दूसरे में इतना मोटा कैप्सूल डाला, तीसरा काम क्या था कि दूसरे सिरे पे मुंह लगा के फूंक मारनी थी ताकि अंदर चला जाए। अभी सारा प्रोसेस पूरा हुआ, कैप्सूल भी डाला, मुंह जैसे लगाया उनके फूंक मारने से पहले भैंस ने फूंक मार दी। अब गोली उनके अंदर, भैंस के अंदर नहीं है, गोली डॉक्टर साहब के अंदर है। कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं होने का है, अपने अंदर फेथ रखने का है, काम करने का है, सब कुछ हो जाएगा। यू आर द बेस्ट। अगर आप बिजनेस में 2 महीने पुराने हो, 2 दिन पुराने हो, 2 सेकंड पुराने हो, यू आर द बेस्ट। बिलीव इन, यू आर द बेस्ट एंड देन यू कैन डू इट। आई एम टेलिंग यू, कंफ्यूजन से कुछ अचीव नहीं होने वाला, कंफ्यूजन से कुछ अचीव नहीं होने वाला। लोग तो कहते रहेंगे, जो उनको कहना है कहते रहेंगे, doesn't matter. अगर आपके अंदर अपने अंदर faith, and that's the last word, और आप में work ethics है, तो आप काम कर सकते हो, confused नहीं होना। बस समझ आ रहा है? It's a funny business. It's a funny business. कोई logic काम नहीं करता इस business में खास। कोई खास logic काम नहीं करेगा इस business में। You know, 4 basics, 9 cores, वो सब तो आप सीखोगे। Part of the game. You know, लेकिन अल्टीमेटली जो इसमें काम करेगा ना, वो काम करेगा इसमें कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, कि आप लगातार काम कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट। कुछ लोग 2 दिन काम करेंगे, 7 दिन गायब, 7 दिन काम करेंगे, 7 महीने गायब, उनका एक सेगमेंट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। आप में से बहुत से लोग रहे, अनुराग आपको देख रहे हैं, लग रहा है बिजनेस भागेगा, सब कुछ होगा बॉस, लेकिन अभी तो हम कभी 9% जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, फिर कभी 3 भी हो जाता है, वो कभी उसका भी ऊपर हो जाता है, ऐसा लगता है बोलते, वो ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हो रहा है मामला कि नहीं है? अब बिलीव नहीं होता यार, कैसे यहां तक पहुंचेंगे, कैसे आगे तक पहुंचेंगे। हा? हमको इस बिजनेस को करने में कुछ खास नहीं करना पड़ा, हमको थोड़ा सा अपने बेसिक्स को चेंज करना पड़ा। क्या बेसिक्स हमने चेंज करे? जो कुछ हमने बचपन से सुना वो सब चेंज करना पड़ा, सच बता रहे हैं।
हमारे बचपन से हमारे को फैमिली में बताया गया उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे बाबा, अरे बाबा, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे भैया, पैरों को पसारने दो, पसारना यू अंडरस्टैंड, फैलाना। चादर को लंबी करने का जुगाड़ क्यों नहीं बताते? आपने भी सुना है किसी ने या नहीं सुना? अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वाले को देखो, सुखी रहोगे। ऊपर वालों को देखो, दुखी रहोगे। सुना है? वो बचा है, मम्मी मम्मी 60% है। कोई बात नहीं, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो, सुखी रहोगे। अगली बार आया, मम्मी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें पहले बोला था ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वाले देखो, -40 है मेरे, कोई नीचे है ही नहीं, सब ऊपर ही ऊपर है, क्या करूं? बच्चों को बोलते हैं ऐसा, ऊपर या नीचे? ऊपर। मैंने ये बिजनेस क्यों किया? वेरी सिंपल भैया, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मुझे पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है? एक तरफ खोदने पे पानी का बंबा निकलता है, बंबा यू अंडरस्टैंड, या कुआं बनता है, और एक तरफ खोदने पे पेट्रोल का कुआं बनता है। कौन सा कुआं खोदना चाहिए भाई साहब? नहीं, कॉमन सेंस बिजनेस है, टेल मी। नहीं, मैं तो पानी का ही खोदूंगा, खोदता रहा, लेकिन मैं पेट्रोल का खोदूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज पेट्रोल से जो पैसा आएगा उससे पानी के बहुत से कुएं में खरीद सकता हूं। दैट्स कॉमन सेंस। अगर मुझे दिन में 10 से 12 घंटे काम करने का है, अगर मुझे दिन में 10 से 12 घंटे काम करने का है, तो मैं किसी और के लिए काम क्यों करूं? टेल मी, अपने लिए काम क्यों नहीं करूं? कोई बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता मैं सीईओ हूं, कोई बोलता मैं इंजीनियर हूं, मैं एक्स वाई जेड फलाना नेमक हूं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, सब समझ आ गया मुझको। मैं बोलता हूं मैं एमबीए हूं, इसका मतलब मेरे इस कंप्यूटर की वैल्यू ये है, मैं ये जानता हूं। अब पॉइंट ये है, ये कौन सा फार्मूला है कि इस कंप्यूटर को मैं किसी को 30 दिन के लिए किराए पे दूं ताकि वो मुझे पैसे दे? ये कौन सा फार्मूला होगा? दैट्स अ जॉब। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं ना, अगर मैं एक मूंगफली के ढेर पे बैठा हूं भैया, मूंगफली छीली, एक तरफ गिरियों का ढेर बना, एक तरफ छिलकों का ढेर बना, मालिक आया, गिरिया उठा के ले गया, छीलने के पैसे मुझे दे गया, इसको बोलते हैं जॉब। अगर मुझे गिरियों का मजा लेना है तो छीलने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ढेर मेरा है या किसी और का। इट्स अ सिंपल लॉजिक। मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वैसे भी पूरा खानदान जॉब वाला है, तो कोई सांप्रदायिक दंगे हो नहीं सकता अगर मैं जॉब को कुछ कह भी दूं तो। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, जॉब इज अ गुड ऑप्शन। कब तक? देखिए, किराए का मकान बहुत अच्छी चीज है, कब तक? जब तक अपना नहीं। जॉब इज अ गुड ऑप्शन कब तक? जब तक आपके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है जो पैसा पैदा करती है। और जिस दिन आपके घर के पीछे है कोई ऐसी मशीन है जो हजारों लाखों रुपए पैदा करेगी, तो क्या आप कुछ हजार रुपए के लिए किसी के लिए नौकरी करोगे? राज, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई साहब, 20,000 रुपए कमाने में इतना बिजी हूं कि 1,00,000 रुपए बनाने के लिए टाइम ही नहीं है। राइट? सो पीपल आर कंफ्यूज, पर उनको देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होने का। दैट्स ए पॉइंट, समझा ना? उनको देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होने का, सब काम हो जाएगा। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया, होता ना, सेमिनार में आए, मीटिंग में आए, यहाँ देखा, अरे यार डायमंड बोल रहा है, यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो डायमंड जा सकता हूँ, बाहर जाते तो कंफ्यूज हो गया। एक बच्चा है छोटा सा, उसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया, मैं गेहूं का दाना, मुझे मुर्गी खा जाएगी। अरे क्या अजीब सी बीमारी ना, तो वो जहां भी कोई मुर्गी तोता कबूतर देखता है उसको डर लगता है, छुप जाता है वो, यू नो, टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, कहीं भी। तो पापा बहुत परेशान, ये तो अजीब सी बीमारी, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला हाँ मेरी फीस दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो उसको बैठाया, एक बड़ा शीशा रखा उसके सामने, एक 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 बिल्कुल डमी रखा मुर्गी के साइज का, गेहूं का दाना रखा, उसको बताया, ये गेहूं का दाना, हाँ ये मुर्गी है, हाँ ये आप हो, हाँ गेहूं का दाना मुर्गी से छोटा है, हाँ मुर्गी आपसे छोटी है, हाँ मुर्गी गेहूं का दाना को खा सकती है, हाँ आप मुर्गी को खा सकते हो, हाँ मुर्गी आपको खा सकते हैं, नहीं कैसे खाएगी, मैं मुर्गी से बढ़ाऊ। समझ आ गई, काउंसलिंग हो गई, सेमिनार हो गया, सब कुछ हो गया, एक्साइटेड हो, फायर्ड अप हो, हाँ वेरी गुड, डरोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगा, जाओ पैसे लिए भागा दिया। अभी पापा के साथ डगमग डगमग सड़क पर जा रहा, थोड़ी दूर गया, एक मुर्गी दिखाई दे गई, अब मुर्गी को देगा नहीं, उसका चेहरा पीला होगा। अभी तो पापा का हाथ छुड़ाया और डॉक्टर की सीट के नीचे जाके घुस गया। अभी पापा का दिमाग खराब, यार क्या है, उसने इतना पैसा ले लिया, अभी बेटे में गड़बड़ नहीं है, अभी किस में गड़बड़ है, अब डॉक्टर में गड़बड़ है। अभी डॉक्टर पे जाके चला था, क्या 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 कर, इतना पैसा ले लिया, सब कुछ किया, वो भी परेशान, क्या हुआ, दोबारा बैठाया, पूरा वही मिरर, वही डमी, वही एवरीथिंग, क्या हुआ, डर क्यों लगता है, नहीं ऐसे ही, ये गेम को दाना है, हाँ ये मुर्गी है, हाँ ये आप, हाँ मुर्गी गेम को दाना से बड़ी, आप मुर्गी से बड़े, हाँ मुर्गी गेम को दाना खा सकती है, आपको खा सकती है, आप मुर्गी को खा सकते हो, हाँ मुर्गी आपको खा सकती है, नहीं खा सकती, तो डरता क्यों यार? कहता एक बात बताऊं, मेरे को तो समझ आ गई, मुर्गी को कौन समझाएगा? कंफ्यूज है अपने आप में, कंफ्यूज है अपने आप में, एवरीडे कंप्लेन, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा लगाएंगे, डरेंगे सबसे ज्यादा। गए पंडित जी के पास, पंडित जी सीधे हाथ में खुज लिया, कहता धन आएगा, उल्टे हाथ में खुज लिया, धन जाएगा, सीधे पैर में खुज लिया, अगले दिन गया, कहता घूमने का योग है, अगले दिन गया उल्टे पैर में खुज लिया, कहता मेहमान आएगा, अगले दिन क्या, कहता कमर में घुस लिया, कहता दूर भाग, तुझे घुसली की बीमारी है यार। बात समझ में आ गई, घुसली की बीमारी है तुझको, कंफ्यूज। व्हाट माय पॉइंट इज, प्रॉब्लम कहां है यह समझना है।
रात दिन बहुत कुछ साक्षात करने से कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है वो समझना है। आप समझ रहे हैं ना। एक बंदा गया एक डॉक्टर, एक बंदे को लेकर डॉक्टर के पास, कहता ये समझता है रेफ्रिजरेटर है। क्या प्रॉब्लम है यार, नई नई बीमारियां आजकल आती है कलयुग में, इसको साइकिक प्रॉब्लम है, ये रेफ्रिजरेटर है। कहता अच्छा डॉक्टर, खैर उसका साइकिक कुछ इलाज इलाज किया, भेजा वापस। अगले हफ्ते फिर आया, ये अभी भी समझता है ये रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर कहता यार तो ठीक होना, फिर भी खैर इलाज किया, वापस भेजा। अगले फिर आया दो महीने बाद, अरे अभी भी समझता है रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर परेशान, कहता यार एक बात होता, ये रेफ्रिजरेटर अपने आप को समझता है, लेकिन पहले दिन से बोलता तू है, ये क्या प्रॉब्लम है। कहता है प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी ना, रात को मुंह खोल के सोता तो ठंड के कारण नींद मुझे नहीं आती है। टू बिल्ड दिस बिजनेस आई हैव टू सी क्या बिजनेस है, कहां मुझे जाना है, क्या करना है, यू नो आई नीड फेथ। फेथ कहां चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कहां चाहिए फेथ। हम चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, कहां है फेथ। फेथ कहीं नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेशन से डील कर रहे हैं, आपको फेथ चाहिए कॉर्पोरेशन पे, राइट। आपको फेथ चाहिए सिस्टम पे, सिस्टम पे। आपको फेथ चाहिए अपलाइन पे। आपको फेथ बची कुची चाहिए तो प्रोडक्ट पे। फिर कहां चाहिए फेथ, चाहिए कहीं और, चाहिए अपने आप। अब मैं दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है। कॉर्पोरेशन $7 billion, किसी को कंफ्यूजन है भैया कॉर्पोरेशन के बारे में, उसके पास के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो वेबसाइट जाके खोल लो। सिस्टम के बारे में कंफ्यूजन है किसी का? सबका एम क्या है यहाँ पे जाना, क्या एम है? कॉमन सेंस बिजनेस, डायमंड। यहाँ सिस्टम में डायमंड दिखाई देते हैं स्टेज पे, कंफ्यूजन खत्म। ये डमी नहीं है, फोटो नहीं है, रियल है कि नहीं? कंफ्यूजन खत्म है। अब क्या हुआ, अपलाइन। आपको आप किसी भी लाइन स्पॉन्सरशिप से हो, आपको अपनी अपलाइन में डायमंड दिखाई देता है? पेट्रोल पंप में ऐसी कोई लाइन स्पॉन्सरशिप ही नहीं है जिसमें डायमंड ना हो, है कि नहीं? डायमंड दिखाई दे रहा है। तो वो शक भी खत्म, कॉर्पोरेशन पे शक खत्म, सिस्टम पे शक खत्म, एलओएस पे। अच्छा बच्चा क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे कोई शक है तो फिर शक का है। वी हैव टू सी वेयर इज द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम अगर अपने आप में है तो किसी दिन बैठ के शीशे के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी। बॉस दूसरों को बहुत बोलिया, कभी तो लाइफ में एक साल दो साल तीन साल के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ये ब्लेमिंग नेचर छोड़ना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। और जिस दिन वो डेट स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, उस दिन से काम हो जाएगा, फिर किसी से बात नहीं करोगे। इजी बिजनेस, सो कंफ्यूज नहीं होने का है, क्लियर है? ये सब कुछ मैंने किया। मैं कोई बहुत ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर्स और एक्स वाई जेड नॉलेज वॉलेज बहुत ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ इस चीज में बिलीव करता हूं कि आज मैं कहां हूं और क्या मुझे मिलने वाला है। थोड़ा सा हैबिट्स पे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है, यू नो एवरी मनी। अनुराग आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना? तुम होके दिखा दो, नहीं तुम होके दिखा दो। उनको तो पहले बिलीफ चाहिए, सारा बिलीफ चाहिए। दिस बिजनेस इज लाइक यू नो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यू नो सबको पता है भैया सुबह दौड़ेंगे भागेंगे तो जिंदगी बढ़ेगी। कितने लोग भागते हैं? कल से उठूंगा आज ठंडा, क्यों कल गर्मी हो जाएगी, बस में ना कल गर्मी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर स्विमिंग पूल के बराबर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि तैरना सीखेंगे तो कभी नहीं आने वाला। फेथ आएगा, बिलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन असली फेथ काम से आएगा, किसी थ्योरी से फेथ नहीं आएगा। काम करो। जब मैं बिजनेस में आया था तब मैं सोचता था इतने लोग कहां से आएंगे, अभी भी सच बताऊं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सोचता हूं इतने लोग कहां से आ गए। प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस कब हुआ, जब एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट आप काम तो करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ मुझे आज बताओ, आने वाले चेक मुझे दिखाओ, तब मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं होता। मेरी नीति से शादी होनी है, मैं नीति के घर गया, मैं बोलता हूं मेरे होने वाले बच्चे पहले दिखाओ फिर मैं काम करूंगा। लात मार के बता देंगे यार। एक डॉक्टर साहब मिले हमको, बोले अनुराग मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लोग कहां से आएंगे। मैं भी शायद उस दिन कुछ पका हुआ था, पंगा नहीं लेता लोगों से लेकिन कभी कभी ले लेता हूं। मैं बोला डॉक्टर साहब शादी हो गई, बच्चे हैं, हाँ कहां से आए, गुस्से में क्या बोलते हो? मैंने कार्डिनल रूल के अंदर रहने वाला आदमी हूं मैं, एक कहां से आए मैं बताऊं, सिस्टम से, सिस्टम से यार। बाहर बैठे में इंसान कर रहे हो, करो जो करना है, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड रिजल्ट विल कम। नहीं मुझे सब कुछ दिखाओ तब होने वाला है, नहीं। सी बिजनेसमैन लॉजिक क्या है, मेरे को क्या करने से क्या मिलेगा, दैट्स अ बिजनेसमैन लॉजिक, नथिंग एल्स। सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, अगर आपको मुझे मोबाइल करना है तो आपको पता है क्या करना है, आपको मेरा नंबर पता होना चाहिए पहली बात, मतलब आपको गोल पता होना चाहिए किसको अटैक करना है ना, और फिर आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सिर्फ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होती है कभी दिखाई देती है? कुछ इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, हेलो
आपको पता होगा, बाकी सबको तो नहीं पता है। डॉक्टर राम को और मुझे तो जिंदगी में समझ नहीं आने वाला कौन सी वेव किस में कन्वर्ट होनी है, लेकिन अगर हम दोनों को बात करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है वो कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होनी है ये समझना, या सिर्फ एक दूसरे का नंबर पता करना और कैसे ऑपरेट करना। सिर्फ बटन दबाने सीखो इस बिजनेस के, जैसे उसमें 1 से 9 तक का खेल है ना, या भी 1 to 9 कोर स्टेप का खेल है। सिर्फ बटन दबाने सीखो, खूब बात होगी, खूब मजा आने वाला है। ज्यादा कैलकुलेशन में जो पड़ा वो गया। नहीं नहीं, हमको समझाओ कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होती है। भाई साहब, आइंस्टीन बनाने के धंधे में नहीं है, डायमंड बनाने के धंधे में। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ यू आर कंफ्यूज, बेटर बी कंफ्यूज, आई एम नॉट वरी। खुश रह सकते हैं, तब बेसिस बताऊंगा मैं, ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते ही नहीं। खुश रह सकते हैं बिजनेस में। मैं एक्साइटेड रहता हूँ, लगता है अनुराग तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्या करूं, रो। 27 साल का डायमंड हो गया यार, वो 24 साल की डायमंड हो गई यार, जो लोग 60 साल में करते सब कर चुका यार, मैं क्या करूं, यू टेल मी क्या करूं मैं, खुश नहीं रहूं। हाँ नहीं, आज तो आप सक्सेसफुल हो गए इसलिए आप खुश रह सकते हो। नहीं भैया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस भी दिन खुश था, क्यों, क्योंकि जो मैं पुकारता था गॉड गेव मी समथिंग, वो मुझे मिल गया था। इस बिजनेस में आने के बाद पहले दिन क्या मिलता है, होप। इस बिजनेस के अलावा अगर हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं, बहुत से बंगले ऐसे हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं हमारी जिंदगी में कभी नहीं होने वाला, कह सकते हैं कि नहीं। आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कोई आप में से कह दे अनुराग अग्रवाल ये तेरी लाइफ में नहीं आ सकता, ये बिजनेस पहले दिन से बहुत देता। एक्साइटेड रह सकते हैं, इस बिजनेस में जो कुछ लाइफ में नहीं आ सकता था वो आएगा, दिस इज गारंटेड। एक्साइटेड रह सकते हो, चार आदमी गए, एक आदमी को ट्रेन पे छोड़ना है, अभी जब जा रहे हैं तो देखा वो स्टेशन पे जैसे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन जा चुकी, वो आखिरी डब्बा जा रहा है, तो दौड़ना शुरू किया, चलो पकड़ो पकड़ो, पकड़ना जरूरी है। अभी वो गार्ड था सबसे पीछे डब्बे में बैठा, उसको कंफ्यूज हो गया, वो तो बड़ी शोर आ रहा, देखता हूँ क्या, देखा चार लोग भाग रहे, तो कहता बक अप, यू कैन डू इट, बक अप बक अप। अभी वो भाग रहे, एक आदमी आया DDLJ की तरह हाथ दिया, चढ़ गया ट्रेन में। गार्ड बोलता ग्रेट, मुझको मालूम था तू चढ़ जाओगे, कहता यार खाक चढ़ जाऊंगा, जिसको चढ़ाने आया था वो तो नीचे रह गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया मैं ऊपर चढ़ गया यार। This business is like that. This business is like that. हमारे साथ ऐसे हजारों examples हैं। हमने plan जिसको दिखाया वो excited नहीं हुआ, पड़ोसी excited हो गया। और एक बार बताऊं, आप डॉक्टर राम से बाद में कंफर्म कर लेना, आप सब लोग यहां इसलिए बैठे हो क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी excited हुआ था। ये लोग पहले धीरे से हंसते हैं फिर तेज से हंसते हैं, है ना? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वैसे मेरे मोस्टली बातें ऐसी होती है 2 दिन बाद एक्चुअली समझ आती हैं। वो जिनके साथ परसों सेमिनार किया था वो आज घर पे हंस रहे हैं, आई नो इट। और लेडीज मैं आपको बता दू, अगर आपके हस्बैंड 2 दिन बाद शीशे के सामने खड़े हुए हंस रहे हो तो समझ लेना अनुराग का जो होगा समझ आ गया उसको। इजी बिजनेस, कर सकते कि नहीं? इफ यू कैन स्माइल, इफ यू कैन गेट एक्साइटेड, लोगों से बात कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, ये बिजनेस बात ही तो करनी है। आप यहां क्यों हो सब? क्योंकि किसी ने आपको प्लान शो किया? ये बड़ी बड़ी गिटपिट बातें मैं बहुत कम समझता हूं, क्योंकि किसी ने आपसे बात करी, किसी ने आपको अपना धंधा दिखाया है कि नहीं, देसी भाषा में, इसलिए आप यहां हो। आप बात नहीं कर सकते तो मुश्किल काम है बात करना, लोगों से बोलो प्रोस्पेक्टिंग करो, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बंदे के साथ में खड़ा है और उसका दिल दुक 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 दुक, उससे हाथ मिलाने में दुख दुख हो रहा है, क्यों? अभी बात करूंगा तो एमवे के बात करनी पड़ेगी, फिर ये पता नहीं क्या सोचेगा। हम अपनी सोच से परेशान नहीं है, वो क्या सोचेगा 2 घंटे बाद वो भी सोच लेंगे। एक आदमी से एक लड़के ने टाइम पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? टाइम नहीं बताऊंगा मैं। अरे भैया टाइम क्यों नहीं बताओगे, बड़ी अजीब सी बात है। नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो अगर तुम को मैंने टाइम बताया तो तुम मेरा नाम पूछोगे, और नाम बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरा नाम पूछोगे तो मैं फिर तुम्हारा नाम पूछूंगा। तुम्हारा नाम पूछने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे से बात करेंगे तो हमारी जान पहचान पड़ेगी, और जान पहचान पड़ेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जान पहचान पड़ेगी तो मुझे तुम्हें अपने घर बुलाना पड़ेगा, और अगर अपने घर बुलाना पड़ेगा तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे घर आओगे तो तुम मेरी खूबसूरत लड़की को देखोगे, तुम मेरी खूबसूरत लड़की को देखो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम उसे देखोगे तुम्हें उससे इश्क हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें उससे इश्क हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे इश्क हो गया तुम उससे शादी करने को बोलोगे, और ऐसे लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी कर नहीं सकता जिसके पास एक घड़ी तक नहीं है। तुम्हारे यार पूरी दुनिया का सोच लिया, क्या होएगा, क्या हो सकता है, ये ना अपने अंदर बंदा कहां पर है,
अगर हम लोगों को सिर्फ हाय हेलो स्माइल दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिजनेस बन जाने वाला है। अरे यार हाय हेलो कह दो, तुम्हारे भाई है, कभी मिलेगा पता नहीं, नहीं मिलेगा, हाय हेलो कर सकते हो ना, बिजनेस हो जाएगा। हमने इस बिजनेस को करने के लिए कुछ खास काम नहीं किया, अपने मॉरल्स चेंज करें, कोई मॉरल्स हो उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। कुछ स्टोरीज मैंने मॉरल स्टोरीज को बोला था, कहां उनमें मॉरल है, एमओबी नहीं है, आरएल तो तब होगा। वो बोलते वो खरगोश और कछुए का स्टोरी सुना है कि नहीं सुना, कछुए ने खरगोश को चैलेंज दिया, रेस लगाएंगे, लगा भाई रेस, कछुआ खरगोश क्या बोलेगा, नहीं लगाऊंगा मैं तेरे से रेस, क्या लगाऊंगा, मेरी इंसल्ट है, मैं रेस लगाएगा मैं जीतूंगा, क्यों, क्योंकि उसके जींस में जीत है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, कहता नहीं नहीं हम तुम्हें हराएंगे, चलो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वन सेकंड किस लैंग्वेज में किया, आई डोंट नो, रेस हुई रेडी 1 2 3, थोड़ी देर में क्या हुआ, खरगोश आगे निकल गया, उसने तो निकल लेगा, उसने पीछे मुड़ के देखा, वाह पीछे मुड़ के भी देखा, वो देखा कछुआ पीछे रह गया, कछुआ पीछे रह गया, खरगोश तो नहीं था गई, वाह खरगोश चल रहा है, उसने देखा खरगोश के बराबर पहुंच गया, अभी नहीं रुकेगा, गया फिनिश लाइन क्लिक किया, जीत गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक बार बताऊं, अगर आपकी जीत किसी की बेवकूफी पर निर्धारित करती है ना, वो जीत नहीं होती है। और आज कलयुग चल रहा है, वो पुरानी कहानियां गई, पसंद है ना, आज के दौड़ने वाले खरगोश सोते नहीं है। और अगर वहां से यहां तक आने का ड्रीम है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो सिर्फ एक बात याद रखना अनुराग की, सिर्फ एक बात, खरगोश तो आप सब हो, दौड़ भी रहे हो, सोना मत, यहां पहुंच जाओ। तो आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इजी बिजनेस। द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस, लेट मी टेल यू, द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। लोग आप पे हंसेंगे, हंसने दो, लेकिन एक वायदा करके जाता हूं, अगर आप काम करते रहोगे 6 से 18 महीने 2 साल, आखिरी हंसी आप ही होने वाली है। दिस इज डन डील, आखिरी हंसी आप ही होगी, लेकिन उसके लिए अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं क्या करना है। और यहां पे सक्सेस क्यों गारंटी है, क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर बोलता है वो है जिसने किया है पहले। कॉमन सेंस बिजनेस, इसीलिए मैं बोलता हूं इसमें समझने का कुछ नहीं है, सक्सेस आपके सामने है, दिस इज अ प्रूवन ट्रैक, सक्सेसफुल लोग आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने यहां पे आपके सामने किया है, कुछ सोचने का नहीं है। क्या करने का है फिर, जो उन्होंने किया वही करना, कुछ नहीं करना, जो उन्होंने किया है वो आपने करना, स्पेशल कुछ नहीं करना, सिंपल बिजनेस, इजी गोइंग बिजनेस, कीप इट अप, हो जाएगा।